नमस्ते क्लास, क्लास 11th बायोलॉजी, लास्ट पार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और चैप्टर समाप्त। आपको ऑलरेडी हम नोट्स दे चुके हैं, कंप्लीट नोट्स बना दिया गया है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है जो अपार्ट फ्रॉम योर बायोलॉजी बुक है, एनसीईआरटी बुक है। अगर पॉसिबल हो सका तो आप उसे कैच करें। एक सेट ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं, 200 क्वेश्चन और आपको देने वाले हैं हम। तो प्लानिंग मेरा ये है कि आप एक थॉरली पहले समझ लो, सब पूरा चैप्टर समझ गया, पूरा नोट्स कंप्लीट हो गया, और 200 क्वेश्चंस बनाने में आपको 2 घंटा लगेगा मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस। तो हम आपको संडे को दे देंगे, ठीक है, संडे को दे देंगे, और मंडे को हम लोग 1-to-1 बैठ कर डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन होता है तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए, ट्राई करेंगे हम आपको वहीं समझा दें। अगर लगेगा कि नहीं बहुत सारा सवाल रह गया है, तब होगा जब आप 200 प्लस 75 क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी के बुक प्लस हमारा कॉपी पढ़ लिए हैं। उसके बाद अगर आपको डाउट होता है, बहुत सारा डाउट होता है, तो एक दिन ले लिया जाएगा डिस्कशन के लिए, उसके बाद हम लोग टेस्ट ले लेंगे। अगर 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे तो हम वहीं पे जवाब दे देंगे और मंडे को टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक। कल परसों तरसों 3 दिन ऑफ रहेगा आपका, फ्राइडे सैटरडे संडे क्लासेस ऑफ, ईद का छुट्टी एंजॉय करिए। तो चलिए फटाफट चैप्टर को समाप्त कर दें हम आपके लिए। तो कहाँ तक पढ़े हम लोग? हम लोग पढ़े सीधे फटाफट बातें हैं। अभी तक आपने देखा हम बात कर चुके हैं, सीधे टू दी पॉइंट बात करते हैं। अभी 1-to-1 डिस्कशन हो चुका है अपना, अब सीधे बात करते हैं टॉपिक पर कि फंगस का सेकंड लास्ट पार्ट बेसिडोमाइसिटस नाम है उसके क्लास का। उसे हम ब्रैकेट या क्लब फंगी भी कहते हैं। बड़ा सा छत्ते जैसा होता है, मशरूम वगैरह जो दिखता है मार्केट में, ये सब इसके अंडर में आते हैं। सेप्टेट होता है, माइसिलियम होता है, ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं। सिर्फ फाइको वाले को छोड़ दें तो सब के सब सेप्टेट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, नहीं देखा जाता है जनरली। बहुत हुआ तो फ्रेगमेंटेशन कहीं देखने को मिल सकता है, बहुत हुआ तो। हाँ, क्या पढ़ना है आपको? तो लग ही गया होगा कि हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में स्पोर वगैरह बनेगा, हमें देखना है स्पोर बनना, तो स्पोर का क्या नाम रहा, ठीक। वैसे नाम तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, एस्कोमाइसिटस था तो एस्को स्पोर था, बेसिडोमाइसिटस है तो बेसिडो स्पोर होगा, वहाँ एस्को कार्प था, यहाँ बेसिडो कार्प होगा। समझना यही है कि इंडोजिनस और एक्सोजिनस क्या है, कि इस बार का स्पोर जो बनने वाला है जहाँ पे पहले प्लाज्मोगैमी होगा देन कैरियोगैमी होगा। ऑलरेडी क्लियर है आपको कि फाइकोमाइसिटस पहला वाला फंगस को छोड़ दिया जाए तो बेसिडो और एस्को, एस्कोमाइसिटस और बेसिडोमाइसिटस में थोड़े देर के लिए रह जाता है, प्लाज्मोगैमी के बाद थोड़े दिन के लिए रुकते हैं। तो साफ साफ आपको ऐसा स्टेज दिखता है जहाँ पर एक नहीं दो दो न्यूक्लियस होते हैं, डाइकैरियोन स्टेज कह सकते हैं, इसमें भी दिखेगा आपको, ठीक। तो काफ़ी इजी हो चुका है, अब तो खाली फ्लो में बना देना है हम लोग को। तो आइए ध्यान दीजिए, हम फटाफट एक हाइफिया बना देते हैं। दिस इज हाइफिया, हाइफाई, एक फंगस का हाइफाई, दूसरे फंगस का हाइफाई, इन दोनों को मिलके बनाना है नया लाइफ। तो चलो दोनों मिला देते हैं, दोनों मिलाने में देखो दोनों मिलाकर दोनों तरफ से हाइफिया निकले, दोनों आपस में मिल गए, सेप्टेट होते ही हैं, सेप्टेट हो गए। इधर वाला ब्लैक वाले का ब्लैक न्यूक्लियस और ब्लू वाले का ब्लू न्यूक्लियस, रिप्रेजेंट ये करने के लिए कि भाई दोनों तरफ से न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशंस हो गया है। और यहाँ पे पहला स्टेप क्या हो गया, प्लाज्मोगैमी, ठीक। आप किताब पढ़ रहे हैं तो पता चल गया होगा कि ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम लोग जितना ज़्यादा कर लें वही बहुत है, ठीक। जितना समझ सकते हैं बड़े आराम से, तो हो गया, इतना हो गया, प्लाज्मोगैमी हो गया, फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। इसके लिए पहले इन्होंने कुछ बनाया होगा अपना, कुछ स्पेशल बनाया होगा, हाइफिया, फिर प्लाज्मोगैमी हुआ होगा, फिर कुछ समय रुकेंगे। तो कुछ समय रुकने में इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या होता है, ये जो है स्ट्रक्चर बड़ी अच्छे से ग्रो कर जाता है, तो यही ब्रैकेट लाइक क्लब लाइक ग्रो कर गया, मान लीजिए ऐसा। छाता बन गया, छाता छाता छाता, ठीक। इसी के अंदर ऐसा कुछ, हमें एक बहुत खराब सा मशरूम बनाने का प्रयास किए हैं, होपफुली बन गया होगा, ठीक है। ये जो बना बड़ा सा हिस्सा,
इसे कहते हैं बैसिडो कार्प, खाने वाला कार्प। कार्प कार्प से फ्रूट का सेंस होता है, खाने योग्य यही चीज़ होता है, खा लेते हैं। उसके अंदर जो झांक के देखते हैं ना, जो लाइन लाइन दिख रहा है, यहीं पे हमारे ये वाले सब सेल हैं, ब्लू और ब्लैक वाले, ब्लू और ब्लैक वाला। ये कुछ देर के लिए रुके हुए हैं, पूरा फ्रूटिंग बॉडी बन के तैयार है, अंदर पड़े हुए हैं। अब उनको कैरियोगैमी करना है। अब कैरियोगैमी करने के बाद से स्पोर बना देंगे फर्स्ट क्लास। तो हम अगर अंदर झांक के देखें तो ऐसे इतना दिखाई देगा, माइक्रोस्कोपिक दिखाई देने की बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ के जूमिंग करके बात करें तो एक ऐसा सेल होगा जिसके अंदर एन एन होंगे, दो न्यूक्लियस होंगे। अब इनको कर लेना है कैरियोगैमी, जगह का सख्त अभाव कर लेते हैं। ये बन गया 2N, क्या हो गया? कैरियोगैमी, यही तो बात किए थे हम लोग, पुराना बात। कैरियोगैमी हो गया, मिल गया NN, 2N बन गया। आपको पता है कि बॉडी तो हैप्लोइड है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? मियोसिस करना पड़ेगा। अब कैरियोगैमी के बाद नाम सुनने को मिल जाता है, इससे इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं बैसिडम। ये भी बैसिडम कह सकते हैं, ये भी बैसिडम कह सकते हैं। बैसिडोमाइसिटस में बैसिडम बन गया, बेसी बेसी में बेसी बन गया। अब ये कर लेगा मियोसिस, मियोसिस हो गया। तो मियोसिस में प्रोडक्ट बनते हैं चार, न्यूक्लियस बन गया चार, एक से चार बना, ऐसा ऐसा बहुत सारा होगा, तो बहुत सारा बन रहा है। ठीक, ये पूरा कवर क्या हो गया? बेसिडियम हो गया। ठीक, नो प्रॉब्लम। अब हम इसको कहने के लिए अब और थोड़ा इसको देखा जाता है। तो अब ऐसा देखने को मिलता है कि ये बेसिडियम अपने में से स्पोर को अपने से बाहर सेट करना शुरू करते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, उसके ऊपर कवर, ये न्यूक्लियस हो गया, उसके ऊपर कवर। आप तो स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि स्पोर क्या होता है, जस्ट लाइक ए सीड, एक सेल है, अंदर न्यूक्लियस है, वो डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, नया लाइफ बनाएगा, राइट? तो ये बेसिडियम अंदर से प्रमोट करना शुरू करता है बाहर की तरफ। ये बेसिडियम है पूरा स्ट्रक्चर, ये बाहर बना रहे हैं, ये हो गए, दिख रहा ना भाई, बेसिडियोस्पोर। ये बेसिडियोस्पोर बन गए, बेसिडियोस्पोर बन गया, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, दिख ही रहा होगा। ये तो एक्सोजीनस बन रहा है, एक्सोजीनस आउटसाइड ऑफ द बेसिडम, बेसिडम से बाहर बना रहे हैं। आसान था, ठीक। और फिर जब मौका मिलेगा तो ये टूट फूट के एक सेल गिरेगा और ये सेल फिर डेवलप करके नया लाइफ बना देगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ। हमें क्या याद करना होता है बैसिडोमाइसिटस में, कि नाम क्या है उसके स्पोर का? तो आप इधर से देख लें, हम कॉपी से देख लें, कहाँ गया? बैसिडोस्पोर, बैसिडियम, बैसिडोकार्प में थोड़ा डिफरेंस देखना चाहिए आपको। ठीक, बड़े आराम से आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे हो गया, बैसिडियोस्पोर भी कंप्लीट हुआ। ठीक, अब बात कर लेते हैं एक और वाले, बात कर लेते हैं क्या 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 था इसके बाद, क्या था वो, इम्परफेक्ट ड्यूटीरोमाइसिटस। अब आपको नोट्स तो दे ही चुके हैं, नोट्स में तो क्लियर कट इट इज रिटन दैट कि इट इज ए इम्परफेक्ट फंजाई, मतलब ये परफेक्ट फंगस नहीं है। आप समझिएगा मीनिंग ऑफ परफेक्ट फंगस क्या है। परफेक्ट फंगस वो है जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का स्पोर, मतलब सेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो किस टाइप का स्पोर बनाते हैं वो हमें पता है। तो कुछ ऐसे फंगस पता चले जो है सेप्टेट, यानी बीच बीच में लेयर है, लेकिन उसका सेक्सुअल स्पोर के बारे में जानकारी ही नहीं है। हाँ, हम उसको रखते हैं अपने पास, उस पर रिसर्च को कैरी ऑन करते हैं, तो कभी मिला अरे अरे ये तो बना रहा है इंडोजिनस, अरे अरे ये बना रहा है एक्सोजिनस, ये बना रहा है एसिडोकार्प के जैसा, बेसिडोकार्प के जैसा। जब जब समझ में आ जाएगा तब उस फंगस को ड्यूटीरोमाइसिटस से निकाल कर जो दो हमारे पास पड़े हैं एस्कोमाइसिटस और बेसिडोमाइसिटस, उसमें इन कोई ना कोई प्लेस मिल जाएगा। तो एक तरह से ये एक कबाड़खाना है कि कुछ नहीं समझ में आना है तो वहाँ जाके बैठो, जब आइडेंटिफिकेशन तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हें तुम्हारी उचित जगह पे पहुंचा दिया जाएगा, जब तक नहीं है तब तक तुम वहीं बैठो, वहीं रहो। इसीलिए इम्परफेक्ट कहा गया है कि उसका सेक्सुअल स्टेजेस के बारे में जानकारी नहीं है। नो प्रॉब्लम। ठीक,
दो दो तीन लाइन कह दिया जाए कि फंगस इम्परफेक्ट कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं है, अगर रिप्रोडक्शन करना होगा मतलब जब तक पता नहीं, अगर पता ही नहीं चला तो वो रह जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटिस में, तो फिर वो रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, तो एसेक्सुअल करेगा, बनाएगा कुछ स्पोर वगैरह, कोनेडिया, हम लोग पहले ही वर्ड यूज कर चुके हैं कोनेडिया, तो कोनेडिया के रूप में बनाकर डेवलप करके कर लेगा। कोनेडिया जू स्पोर में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस यही कोनेडिया एक्सोजीनस निकलता था, जू स्पोर पहला वाला फाइकोमाइसिटस वाला वो इनसाइड था, इंडोजीनस था, तो यहाँ पर भी कोनेडिया के हेल्प से बना दिया, तो कन्फ्यूज नहीं हुई है, कोनेडिया हमारा एस्कोमाइसिटस का एसेक्सुअल स्पोर है, ध्यान रखिएगा, नो प्रॉब्लम, आसान बात है। एग्जाम्पल वगैरह सब हम आपको लिख कर दे दिए, एग्जाम्पल तो हम किसी का नहीं लिख रहे हैं, एनसीईआरटी में जो है आपको लिख लेना चाहिए, अब बाकी ऊपर वाला मालिक है, ठीक, नो प्रॉब्लम, इतना हो गया, अब इसको गायब कर देते हैं। अब हम लोग का समाप्त, हम लोग का फंगस वाला हिस्सा समाप्त होता है, डन कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं, कुछ ऐसे लाइफ हैं जिनको क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिला है। अब देखो प्लांट और एनिमल तो थोक भाव में पढ़ना है, तो प्लांट और एनिमल के बारे में कोई बातचीत नहीं, पूरा दो चैप्टर अलग बनाया है, तो कल टाइम पास करें उसके ऊपर। अब हम लोग को पढ़ना है जो दो तीन वर्ड्स फटाफट देख लेते हैं, जैसे कि लाइकेन के बारे में बात कर लेते हैं। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी, ठीक। फाइको माइको सुने होंगे, माइको वर्ड फॉर फंगस ही, तो बता ही चुके हम आपको, अलगी मिलेगा, फाइकोलॉजी भी कहा जाता है, तो फाइको, बायोटिक बायोटिक मिला दे, लाइफ है, फाइको बायोटिक या बायोंट, फाइको बायोंट माइको बायोंट या फाइको बायोटिक या माइको बायोटिक या बायोंट भी कह सकते हैं, माइको बायोंट फाइको बायोंट या बायोटिक, मीनिंग क्या हो गया, ऐसा लाइफ जो अलगी है, ऐसा लाइफ जो फंगस है, नो प्रॉब्लम, यानी फाइको और माइको को मिलाया गया है और एक नया चीज बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड लाइकेन। ऑलरेडी पता है कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों को बेनिफिट मिलेगा, मिलने वाला है, चलो दोनों को बेनिफिट दिखा दिया फटाफट, क्या बेनिफिट दे सकते हैं, सबको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो भाई इसके पास खाना बनाने का कंप्लीट टैलेंट है, ठीक। हाँ, हमको सबको पता है कि फंगस तो नहीं खाना बना सकता है, इट विल डिपेंडेंट ऑन अलगी, ठीक, तो यहाँ का डिपेंडेंसी कुछ और तरीके का है, ये इसको देगा बदले में कुछ लेगा, बिना दिए नहीं लेगा। और एक और जब पढ़े थे हम लोग अलगल फंगी, तो वो पारासाइट के रूप में सटा हुआ था, कुछ दे नहीं रहा था, खाली ले रहा था, ठीक है। चलिए तो ये बात करते हैं हम लोग माइकोबायंट में, ये क्या करेगा, पहला बात ये डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट फेज मतलब कि आप जानते ही हैं फंगस के बॉडी हाइफिया में होते हैं, बड़ा सा छोटा सा बेचारा अलगी, इसके चारों तरफ फंगस ऐसे 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 चारों तरफ इसको कैप्चर कर लेगा, लगेगा कि ज़्यादातर तो फंगस ही यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन मेन रूप से ये खाना बनाने का काम यही कर रहे हैं, जिंदा तो ये रख रहे हैं बेचारे को, बदले में ये शेल्टर टाइप का लग रहा होगा कि घर दे दिया वगैरह दे दिया, बाहर से कुछ आयंस हैं वो खींच खींच कर इसको दे रहा है, कि वो खुद आयन नहीं खींच सकता है, सनलाइट को कैप्चर कर सकता है, इतना टैलेंट है उसके पास, उसी टैलेंट की वजह से तो ये साथ साथ रह रहे हैं, तो ये डोमिनेंट फेज है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। ये प्रोवाइड करता है शेल्टर प्लस आयंस, जरूरी आयंस प्रोवाइड करता है, और खाना पीना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये एक रफली बनाया हुआ लाइकेन है, प्लांट के छाल पर अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत है बेसिक सा ही, यही बात है, नो प्रॉब्लम। ज़्यादातर ये जो फंगस हैं वो एस्को माइसिटस के ग्रुप से आते हैं, क्लास से आते हैं, ठीक। और बात कर ले, दिख रहा है ऊपर, हाँ, लाइकेन का यूज, लाइकेन बायो इंडिकेटर है, सबको जानता हो, क्लास 9 से जानता हो, बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, जनरली SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी को पहचान लेता है, ध्यान से सुन रहे ना आप सब, आसान है, खत्म करना है, इसीलिए बात कर रहे हैं, SO2
अगर पोल्यूशन होगा तो कई सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, कई सारे नॉन मेटल के गैसेस निकलते हैं, और नॉन मेटल गैसेस में कई सारा हार्मफुल होता है, तो कार्बन का, सल्फर का, नाइट्रोजन का। सल्फर वाला हो तो सल्फर वाला इसके लिए टॉक्सिक हो जाता है। SO2 लिख देते हैं अगर इसे, SO2 टॉक्सिक, मतलब अगर SO2 किसी एनवायरनमेंट में ज़्यादा है तो वहाँ पे लाइकन ग्रो ही नहीं करेगा, लाइकन मर जाएगा। लाइकन का जनसंख्या का कम होना प्योरली इंडिकेट करेगा कि वहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। एक और अच्छा बात कहते हैं पायोनियर, पायोनियर मतलब शुरुआत, स्पेलिंग देख लेते हैं थोड़ा सा, PIONER, पायोनियर्स ऑफ वेजिटेशन, समझिएगा छोटा सा वर्ड है। कहते हैं कि जब वेजिटेशन मतलब होता है शुरुआत, लाइफ, हरा भरा वेजिटेशन की शुरुआत के ये लाइफ हैं। जब शुरू शुरू में जब पत्थर वगैरह होता था तो पत्थर पे ये लाइकेन आते थे, और लाइकेन अपना डाइजेस्टिव जूस के कारण इसको वेदरिंग प्रोसेस में पत्थर को पीसने के काम में ये हेल्प आउट करते थे। शुरू शुरू से लाइफ बनना स्टार्ट होता था तो ये शुरू शुरू में इनका कंट्रीब्यूशंस है, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि पायोनियर ऑफ वेजिटेशन, जीवन की शुरुआत के समय के ये लाइफ हैं, ये थे, तो उनका भी छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है। ऐसा सा नाम कुछ मिल गया, नो प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट और समाप्त, नो प्रॉब्लम, डंडना डंडन, लाइकन भी हो गए हमारे लिए। चलिए अब दो और छोटे छोटे टॉपिक हैं, वायरस के बारे में बात करते हैं, वायरस से जान खाया हुआ है तो थोड़ा उसके बारे में ही बात कर लेते हैं भाई। चलो अब बात करने वाले हैं हम लोग वायरस, भाई साहब यही वायरस का देन है कि हम लोग ऐसे मिल रहे हैं, वैसे नहीं मिल रहे हैं, राइट। तो वायरस के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। वायरस के बारे में ये क्या है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन है। वट इज वायरस, इट इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन। वर्ड को देखिए ध्यान से, प्रोटीन का कुछ ना कुछ नाम होता है, हर एक प्रोटीन का अपना अपना नाम होता है। इसमें नाम दिया गया है कैप्सिड, ऐसे नाम था CAP, कैप्सिड। प्रोटीन बने हुए होते हैं अमीनो एसिड से, मतलब हर प्रोटीन का अपना अपना यूनिट होता है, इसका भी यूनिट होगा, अमीनो एसिड ही होगा, लेकिन उसके बावजूद एक और नाम दिया गया है। मतलब अभी समझिए कि एक छोटा सा ये गोल सा प्रोटीन है, टूटेगा मशीन मेरा, प्रोटीन छोटा छोटा गोला गोला प्रोटीन है, यही आपस में अरेंज हो जाएंगे तो कंप्लीट प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। कैप्सिड का मोनोमर हो गया कैप्सोमर, मारिए देता है, तो थोड़ा सा वर्ड कैप्सोमर या कैप्सिड इज द प्रोटीनियस पार्ट ऑफ वायरस, ठीक। तो प्रोटीन का कोट होता है, प्रोटीन का कैप्सिड से बना एक कवर कह लो या कोट कह लो, हर एक वायरस में एक प्रोटीन का कवर है। दो गो वायरस के बारे में बुक में डायग्राम है तो उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लिक एसिड, सबको जानता होगा, न्यूक्लिक एसिड का मतलब हो गया DNA RNA, तो न्यूक्लिक एसिड के नाम पर कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल है, कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल है। अब थोड़ा सा याद रखने के बाद कि अगर हम प्लांट की बात कर लें, अगर हम बैक्टीरिया की बात कर लें, अगर हम एनिमल की बात कर लें, तो आपको लग रहा होगा ना कि जनरली सारा लाइफ तो हो ही गया, ठीक। तो अब हम बात करें अगर प्लांट को अफेक्ट करने वाले, ऐसे हमारा वायरस तो खतरनाक है, अफेक्ट तो करता है, सबको पता है कि वायरस को जिंदा रहना, एक बार पहले भी बात कर चुके हैं कि वायरस को अगर जिंदा होना होता है तो वो किसी पे अटैक करके उसको मारकर अपने को जिंदा रखता है, ठीक है। तो प्लांट को भी अटैक करने वाला कोई वायरस होगा, एनिमल को अटैक करने वाला वायरस होगा, बैक्टीरिया को अटैक करने वाला वायरस होगा, सब वायरस अपना अलग अलग स्पेसिफिक रहता है। अगर कोई बैक्टीरिया को मारने वाला वायरस है तो वो हमें नहीं कुछ करेगा, हमारे शरीर कुछ नहीं करेगा, प्लांट को मारने वाला तो हमें कुछ नहीं करेगा, ठीक। प्लांट भले अफेक्टेड है विद द वायरस, हम उसे खा जाते हैं, तो वो वायरस प्लांट के ही सेल को डिस्ट्रॉय करने वाला है, हमको नहीं करने वाला है। हाँ, हमें मारने वाला हमारे पास आ जाए कहीं से तो हमें मारेगा, समझ रहे बात को, सिंपल कह रहे। तो हम थोड़ा याद करने में सुविधा हो कि न्यूक्लिक एसिड मतलब होता है DNA नहीं तो RNA, यही होता है, ठीक।
अगर हम बात करें तो प्लांट में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एसआरएनए होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। सही बात बोले, डाटा इंफॉर्मेशन से हैं, आपको इंफॉर्मेशन ही सिर्फ याद करना है। बड़ा कष्ट किया हुआ हमको, तो तार खराब हो गया आज तो। हाँ जी, क्या सुने हम लोग कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, मतलब अगर वायरस प्लांट को अफेक्ट किया हुआ है तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए तो होवे करता है, ठीक ना, कहीं कहीं पर डबल स्ट्रैंड भी हो जाता है, ठीक, आप याद रखो मोस्ट ऑफ द केसेस। फिर बात कर लेते हैं आपको बैक्टीरिया के केस में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनए डबल स्टैंडर्ड हो भी करता है, कोमड़ा बात है, ठीक है। एनिमल केस में भाई, एनिमल को अफेक्ट करने वाला वायरस सब तरह का है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी है, ठीक, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी है, मतलब एनिमल को अफेक्ट करने वाला कहीं का ना छूटा। लेकिन समझो क्या बताना चाह रहे हैं कि अरे ऑप्शन मिलेगा तो ये दोनों छांट लोगे ना भाई, ये रहने दो कन्फ्यूजन में, क्या दिक्कत है। कई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट को अफेक्ट करने वाला एक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस TMV, क्या होगा उसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए, काम चल जाता है, ठीक है। इतना हुआ, नो प्रॉब्लम। आपके सामने एग्जाम्पल में एक TMV वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम दिया हुआ है, तो कुछ स्पाइरल शेप, मतलब गोल गोल सा है कि ये कैप्सोमर हुए, ऐसा कैप्सोमर का हम एक पहले एक गोला बना लेते हैं, ठीक, ये बीच में खाली स्पेस हो गया, और फिर उसको बहुत सारा ऐसा गोला बनाते जाओ। अब देखो 3D में फोटो है, हम तो एक ही तरह बना रहे हैं, ठीक, एक सिलेंड्रिकल बन के तैयार हो गया, ये प्रत्येक गोला कैप्सोमर है, और सब मिलके क्या कह देते हैं, कैप्सिड का कवर है, अंदर खोखला है, अंदर मिलेगा आपको स्पाइरल आरएनए। आपको समझ में आ ही चुका कि टोबैको है, टोबैको प्लांट का नाम है, तो आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा, क्लियर। एक डायग्राम ये बन गया आपका, एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं, कुछ क्रिस्टल शेप का है ऐसा कुछ, ये सभी अब बनाने में सुविधा है, यहाँ सब कैस्पोमर लगे हुए हैं, ठीक है, प्रोटीन का कोट हुआ, यहीं पे समझ में खूब आता है, यही बार बार इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटीन का ये कोट है, ये हेड रीजन हुआ, ये नेक रीजन हुआ, फिर ये टेल रीजन हो जाता है, फिर यहाँ से इसके खूब डिजाइनदार लगता है कि कोई एलियन आ गया है, कोई मिल गया, उसके टेल निकले रहते हैं, और इसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA पड़ा रहता है। ये हो गया कौन, ये हो गया बैक्टीरियोफेज वायरस, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस। ये दो NCERT में डायग्राम बनाए गए हैं, हम बना दिए आपके लिए सामने, फर्स्ट क्लास है, बहुत बेसिक सा नॉलेज मिल गया। ये पॉइंट याद रहने वाला बात है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, बीमारियां करता है भाई, कौन नहीं जानता है वायरस से बीमारी होता है, खतरनाक वायरस होता है, दुनिया परेशान है, हम लोग तो ज़्यादा ही परेशान है, ठीक। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समाप्ति की ओर चल रहे हैं, ठीक, इसको थोड़ा सा मिट नहीं रहा है, एक सेकंड लेते हैं, और उसके बाद कभी समय बचाने के लिए जादू करते हैं। चलिए जादू कंप्लीट, गायब भी हो गया, सामने भी आ गया। चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री से बात करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना है आपके बुक में, बहुत ईजी वे में 3 साइंटिस्ट का नाम 4 साइंटिस्ट का नाम दिया रहता है। एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने पॉस्चर ने आपको वायरस का टर्म दे दिया, नाम है आप याद कर लो, ठीक। हाँ, अब थोड़ा डिस्कवरी पे थोड़ा ख्याल करिएगा, कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढा है तो कोई किसी खास का नाम नहीं है, एक प्रोसेस जो आपके NCERT में जिन 3 लोगों का नाम आया है, उनके जो काम आया हल्का हल्का, हम बताने का कोशिश करते हैं, ठीक। आइए सबसे पहला कंट्रीब्यूशन देखते हैं इस DJ का, DJ नामे में DJ है इसका, कब किया था, 1892 में इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल किया था, क्या किया था उन्होंने,
प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं हम आपको, ध्यान समझिएगा कि टोबैको मोजैक वायरस, मतलब टोबैको के पत्ते होते हैं उसमें वायरस लग जाए तो उसमें कई सारे स्पॉट स्पॉट दिखने लगते हैं। उन्होंने उस पत्ते को निकाला, टोबैको लीफ को लिया और इसका पेस्ट बना लिया और इसे फिल्टर कर लिया। फिल्टर किया बैक्टीरियो प्रूफ, बैक्टीरियो प्रूफ फिल्टर से, मतलब फिल्टर मतलब होता है छान देना। छानने में पार्टिकल के साइज के हिसाब से पोर वगैरह रखा जाता है। तो उस समय कुछ ऐसे हमारे पास फिल्टर थे जो बैक्टीरिया का साइज जो हम लोग को पता था उस समय तक, हम लोग उतने साइज से छोटा कर देंगे तो बैक्टीरिया तो छना जाएगा ऊपर, बाकी सब नीचे मिल जाएगा। तो हम फिल्टर कर लिए, बैक्टीरिया को छांट दिए और हमें मिल गया फिल्टरेट, मतलब बैक्टीरिया बैक्टीरिया लेस, इसमें बैक्टीरिया नहीं है क्योंकि हमने यूज किया था वो छनना जो बैक्टीरिया को भी छान दे, इतना माइन्यूट पोर था। ठीक, प्रयास हो रहा है यही कि ऐसा कुछ मास्क बने कि वायरस को भी रोक दे, लेकिन वायरस बहुत छोटा है। आगे बढ़ते हैं, फिल्ट्रेट मिला। अब इस फिल्ट्रेट को फिर से एक हेल्दी प्लांट को टच कराया गया, इंजेक्ट किया गया, डाला गया, तो इट अगेन अफेक्टेड, ये फिर बीमार पड़ गया। अब इतना से क्या समझा हमारा, ये हमारा इवान वॉस्की, डीजे इवान वॉस्की ने क्या समझा कि भाई कोई ना कोई तो स्मॉलर देन बैक्टीरिया है जो ये काम कर रहा है, मतलब कोई तो अफेक्ट कर रहा है, तो वो या तो बैक्टीरिया से छोटा है जो कि हम लोग को पते नहीं है, कोई ऐसा कोई है नहीं, किसी को नहीं पता था इसके बारे में, तो लोगों ने कहा था ठीक है तो कोई नहीं है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक है, टॉक्सिन लिक्विड है कुछ, क्योंकि हम तो फिल्ट्रेट में तो लिक्विड लिए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो केमिकल है जो जहर का काम कर रहा है। वायरस का मतलब ही विनोम से लिया गया था, जहर से ही लिया गया था। ठीक, तो इतना ही उनका समझ में आया कि या तो कोई ना कोई तो बैक्टीरिया से भी छोटा है, नहीं तो कोई केमिकल है जो ये बीमारी कर रहा है बस। अब बैक्टीरिया से छोटा उस समय किसी को पता था नहीं, तो ये वाला पॉइंट रिजेक्ट कर दिया, बोला कि कोई टॉक्सिक मटेरियल है जिस जो अफेक्ट कर रहा है, इतना हो गया। फिर बाद में समय बीता, बहुत समय बीता, 1898 ये वाला 1898 92 में गया थे, 98 में, 6 साल बाद, 6 साल लग गए और बात को बढ़ाने में। तो एक नया साइंटिस्ट आया, उसने भी सेम प्रैक्टिकल किया, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, फिल्ट्रेट किया, फिल्ट्रेट किया, तो ये तो प्रूफ हो गया कि बैक्टीरिया तो नहीं है भाई, बैक्टीरिया तो नहीं है। और उसने इस सैप को, फिल्ट्रेट मतलब फ्लूड को लिया और उसने हेल्दी वाला अफेक्टेड हो गया। तो सर नया क्या कर रहा है, नया देखो अफेक्टेड हो गया फिर ये काम शुरू कर रहा है, पेस्ट बनाया, फिल्टर किया, फिल्ट्रेट किया, नया हेल्दी बनाया, फिर अफेक्ट हो गया, ये काम बार बार कर रहा है। अब बार बार करके उसने ये डिसाइड किया कि देख भाई, अगर पहली बार में अगर केमिकल आया होता, केमिकल कोई फ्लूड, तो वो पहली बार में जितना अफेक्ट किया तो इसके अंदर केमिकल नहीं गया है। ठीक, अब फिर यही को हम फिर दोबारा साइकिलिंग करते हैं तो वो केमिकल का असर कम होना चाहिए ना। जैसे कि आपने एक गिलास में शरबत बनाया है बहुत गाढ़ा सा, तो आपने उसमें से निकाल कर किसी दूसरे बाल्टी भर पानी में डालेंगे तो उसका असर थोड़ा सा कम हो गया, फिर उसमें से थोड़ा निकाल कर फिर आगे में डालेंगे तो और थोड़ा कम होगा। एक समय आएगा ना कि अब नहीं करेगा उसका, उस शरबत का असर आपको नहीं मिलेगा। अगर शरबत ही होता तो, सुन रहे हो मेरा पॉइंट पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, क्या कहना चाहते हैं कि अगर इनका बात सही माना जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये एक केमिकल है, तो केमिकल हमने डाला इसमें, इस हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन का सोर्स तो यहीं का केमिकल था, जो जितना भी केमिकल था, अब वो केमिकल इसके पास था, अब फिर हमने उसको बनाया, उसको फिर पीस पास के निकाला। ठीक, अब फिर पीसने पासने में तो ख़त्म भी तो होता है। ठीक, तो हो सकता थोड़ा सा कम केमिकल आया हो, फिर उसको नए अलग हेल्दी प्लांट डाले, फिर ऐसे करते गए, हर बार एकदम बराबरी, जैसे पहली बार में इन्फेक्टेड हुआ था और कई सारा चकता चकता वाइट वाइट बन गया था, हर बार इन्फेक्शन तो उतना ही हो रहा है,
एकदम बराबरी पे हो रहा है, जरा सा भी कम का चांस नहीं है। तो बोला हो ना हो, अभी भी उसको नहीं पता ये कौन है, हो ना हो ये सैप ना लिविंग है, ये कोई जिंदा सैप है, मतलब कोई तो है इसके अंदर, एक ऐसा लिक्विड है जो लिविंग है और अपने आप को मेंटेन रख रहा है कितना भी तुम आगे कर लो। तो उसने एक वर्ड बनाया कॉन्टेजियम, मतलब ऐसा कोई जो अफेक्ट करता है, वाइबम फ्लूडियम, लगता है मंत्र पढ़ रहा है सब, कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडियम, ठीक, इन्फेक्शियस लिविंग लिक्विड है ये, कुछ कोई तो लिविंग है इसमें जो इन्फेक्शियस है, सिर्फ केमिकल नहीं है ये, ये लिविंग केमिकल है, लोगों को नहीं पता था क्या है, ठीक। बाद में आए मिस्टर स्टेनले, कब आए, बहुत समय लग गया इनको तो, 1935, देख रहे हो बाप रे वायरस के बारे में जानकारी कितना कम है, 98 से शुरुआत की, सदी बीत गया, तब एक WM स्टेनले आए और इस लिक्विड से, इस कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूडम, मतलब इस लिविंग लिक्विड से उन्होंने वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में ऑब्टेन किया, बोला यस इसके अंदर कोई है और ये है, क्रिस्टल के रूप में निकाल गया, दिस क्रिस्टलिक फॉर्म ही है कैपेबल फॉर इन्फेक्शन। देख हिस्ट्री वाली बातें भी आपके सामने मिल गया, तीन लोगों का साइंटिस्ट का नाम का कंट्रीब्यूशन, एक ही प्रैक्टिकल था, बार बार घुमाया गया है, नो प्रॉब्लम, होपफुली आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर, डन समाप्त हो गया। लास्ट बात की तरफ चले, दो बात यहीं से हो गया ना, आप इसको क्लिक करके ले सकते हैं, ले लिए, वेरी गुड। अब चलो चैप्टर समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। वायरस था, वायरस मतलब क्या हो गया, एक कवर है, जेनेटिक मटेरियल है, देखा क्या गया, खीस बढ़ गया वायरस को, बहुत खीस, ठीक है। उसने क्या किया कि अपना कोट हटा दिया, ओनली जेनेटिक मटेरियल, या समझ लो आरएनए, ओनली आरएनए, सिर्फ आरएनए, देखा गया केवल आरएनए, सिर्फ ये आरएनए है, ये भी इन्फेक्शन करता है। वायरस में तो प्रोटीन का कोट भी था, लग रहा था कुछ है, इसमें तो प्रोटीन कोट छोड़ कुछ नहीं है, खाली इसके पास क्या है, आरएनए है, ये भी इन्फेक्शन कई जगहों पे, मतलब कई जगह के बीमारियों में मिला। अब वहाँ ढूंढने गए तो वहाँ पर तो वायरस का भी नामो निशान नहीं, कुछ अलग ही मिल रहा है, तो इसको नाम दे दिया गया वायरॉयड, आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, वायरस विदाउट प्रोटीन कोट, और छोटा हो गया ना नाम, हो गया, इससे ज्यादा नहीं जानना है। साइंटिस्ट का नाम है उसमें टी ओ डिनर, कुछ होगा नाम में, आदमी का नाम में, वायरॉयड हो गया। अगर वायरस ने क्या किया, अगर आरएनए निकाल के फेंक दिया, मतलब ऐसा माना जाता है कि वायरस से ही वायरॉयड है, तो प्रोटीन का कोट बचा होगा, इन्फेक्टेड, वायरस का हर चीज इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड प्रोटीनियस कोट, थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाते हैं, जब कोट शरीर में पहने हुए होते हैं तो अच्छा लगता है, फेंक दिए तो मुमड़ा चुमड़ा गया है, तो कुछ ऐसा, इसको भी नाम दिया गया है, आपके साथ बुक में लिखा हुआ है पायरोइंस, ये भी इन्फेक्टेड है, तो दो वर्ड और बन जाते हैं। जब ये लिविंग बींग, मतलब ये इन्फेक्ट करते हैं तो लिविंग बींग समझना पड़ता है, जब तक इन्फेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो लिविंग बींग के क्राइटेरिया में आते नहीं हैं, शुरुआत में ही बात कर चुके हैं। वायरस के दो और फॉर्म देखने को मिलते हैं कि अगर वायरस विदाउट कोट है तो वो वायरॉयड है, ओनली कोट है तो वो पायरॉयन है, देख रहे हो कितना गजन है। ये सब याद तो तुम्हें करना है, आपको तो बिल्कुल नहीं करना है, आप कर लो आपका है, और इससे घबराने की बात है ही नहीं, समझ रहे हो। दूसरा चैप्टर में तीन तीन फाइलम को, तीन तीन किंगडम को निपटाए हम लोग, और गिन के पांच छह लाइन याद करने को मिला है, बाकी सब तो समझने वाली बातें थी। वायरस का लाइफ साइकिल तो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, या कई बार और किया जाएगा, कि वायरस किस प्रकार से अटैक करता है सबको पता, वायरस अपना प्रोटीन का कोट हटा देगा, जेनेटिक मटेरियल घुस जाएगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन में बातें हुई थी, ट्रांसडक्शन में, ठीक, और होस्ट के डीएनए को कटिंग सटिंग करके उसमें एडजस्ट हो जाएगा और अपने जैसा कई वायरस बनाकर नए शिकार की तलाश में चल जाएगा। वेरी सिंपल बात हो गया, बात समझ गए, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं,
चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक, तो आज चैप्टर समाप्त हो गया। हम फिर से रिपीट कर देते हैं, आज चैप्टर समाप्त हुआ। अब आपको 3 दिन का रेस्ट है आपके लिए। हम संडे को आपको पुट ऑन करेंगे 200 क्वेश्चंस का सेट, आप बनाइएगा। मंडे को आपके चैट में, जो चैट में हमको क्वेश्चंस मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दैट, क्वेश्चन नंबर दैट, क्वेश्चन नंबर दैट, अगर लगेगा कि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो वी विल टेक वन मोर डेज फॉर डिस्कशन, आफ्टर दैट हम लोग टेस्ट लेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग मंडे को टेस्ट ले लेंगे। प्रिपेयर होइए, जान लगा दीजिए। इस पैंडेमिक में बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करने का, काम करो। हम काम दिए हैं आपको, इंगेज करने का फुल ट्राई किया गया है, आप इंगेज हो ईमानदारी के साथ। ठीक है, मिलते हैं या तो एग्ज़ाम देने के लिए या तो डिस्कस करने के लिए आफ्टर ईद। ठीक है, धन्यवाद। तब तक ऐस करो सब।